नंबर वन, ग्लोबल स्टार जैकी चैन को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं जैकी चैन के माता पिता के मिलने की स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। दरअसल जैकी चैन के पिता चार्ल्स एक सरकारी जासूस थे और माँ लीली एक ड्रग डीलर थी। जासूसी करते ही चार्ल्स ने लीली के बारे में पता लगाया था और इनकी पहली मुलाकात भी तब हुई थी जब चार्ल्स ने लीली को अरेस्ट करवाया था। नंबर टू, बीमार पड़ने पे मेडिसिन यानी कि दवाइयां तो हम सभी खाते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेडिसिन के बीच में ये लाइन क्यों होती है? दरअसल इस लाइन को डेबोसिट लाइन कहते हैं। ये लाइन खासतौर पे उन दवाइयों पे होती है जिनकी पावर ज्यादा होती है, ताकि जो गोली को आधा तोड़ के खाया जा सके। मान लो आपके पास पड़ी दवाई की पावर 200 mg है और आपको डॉक्टर ने सिर्फ 100 mg लेने को कहा है, तो ऐसे में आप इस गोली को बीच में से तोड़कर खा सकते हैं। नंबर थ्री, ऐसे हीरोज की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे कैलिफोर्निया के लोगों ने एक दिन देखा कि उनके शहर में नोटों की बारिश हो रही है। बस फिर लोग लग गए मार्स मिटने में, पर हुआ कुछ ऐसा था। वहाँ की बैंक का एक ट्रक पैसे भर के वहाँ से गुजर रहा था। बीच रस्ते में ही ट्रक के दरवाजे का लॉक टूट गया, जिस वजह से ट्रक का दरवाजा खुल गया और ट्रक के पीछे पीछे नोटों की बारिश होने लगी और लोगों के मजे हो गए। पर बाद में पुलिस ने पैसा लूटने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी ताकि जो पैसे वापस लिए जा सके। नंबर फोर, एशियन ग्रीस के लोग अपने कुत्तों को जंगली जानवर खास करके भेड़ियों से बचाने के लिए अपने पालतू कुत्तों के गले में कांटेदार नुकीला पटा बांध दिया करते थे, क्योंकि आमतौर पर शिकारी जानवर अपने शिकार को गले से पकड़कर ही मारता है और गले में नुकीला पट्टा होने की वजह से जंगली जानवर उनको पकड़ ही नहीं पाते थे। नंबर फाइव, शादियों के दौरान बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं जो कई बार हमें देखने में भले ही अजीब लगती हों, पर इन सब में मानता रखने वाले लोग इन सब को बड़े चाव से निभाते हैं। ऐसी एक रस्म ग्रीस के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें शादी में आए हुए लोग शादी हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन के ऊपर थूकते हैं। ग्रीस के लोगों का मानना है कि एक तो ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती और दूसरा भूत प्रेत दूर रहते हैं। अच्छा बात नहीं है। वेल, तो ये थे मेरे आज के टॉप 5 फैक्ट्स। आई नो वीडियो छोटी है, पर क्या ही कर सकते हैं, फैक्ट ही छोटे थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।